इतना जरी हो गया था कि सरे दरबार फातिमा और मरियम का तबाबुल करने पर आमादा हो गया। सारे उलमा को इकट्ठा करके उसने कहा दरबार में, मुझे बताओ फैसला करके मरियम अफजल है या फातिमा अफजल है। और सुनो, याद रहे, फैसला जो सुनाना कुरानी आयात की रोशनी में सुनाना, और दलील कुरान से ऐसी होना चाहिए जो दलील मोतबर हो, अक्ल कबूल करती हो। याद रखो, अगर फैसला आयात के मुताबिक अक्ल के बिल्कुल मुताबिक हुआ तो ठीक, और अगर फैसला तुमने गलत किया, अक्ल ने कबूल न किया, तो फिर तुम्हारी गर्दनें मार दी जाएंगी। बड़ी सख्त शर्त लगा दी उसने, ताकि फैसला तो देना है मरियम अफजल है या फातिमा अफजल, मगर कुरान से दलील देना पड़ेगी, आयत को दलील बनाना पड़ेगा। अगर दलील न मिली, माकूल दलील न हुई, तो गर्दन मार दी जाएगी। अगर तुमने गलत फैसला दिया, अब सारे उलमा एक झटके में कह तो गए कि हाँ हम आमादा है, हम कल आपको फैसला सुना देंगे। मगर जब दरबार से निकल के अपने घरों में पहुंचे, दिन गुजरा, रात आई, अब जो उन्होंने आयतों में गौर करना शुरू किया, तो चूंकि अभी तक कुरान को सिर्फ रटते आए थे, समझने की कोशिश तो कभी नहीं की थी, अब बड़ी मुश्किलों में क्यों? इसलिए कि कुरान के जहां बहुत सारे मौजज़े हैं ना, वहां कुरान का एक मौजज़ा यह भी है कि कुरान का जो जाऊंगा, कुरान का एक मौजज़ा यह भी है कि सबकी रटाई में तो आता है, तानाई में सबकी नहीं आता, जहन में सबके आता है, जहन में सबके नहीं आता। ये कुरान का वजह, अब तो साहब ये आयतें देख रहे हैं, वर्क पे वर्क पलट रहे हैं, रात गुजर गई, आयतें नहीं मिल रही है, पूरी रात कोशिश की, जागे, नींद खराब की, बिस्तर पत्थर बटे बदली, पूरी रात में सिर्फ एक आयत ढूंढ पाए, और आयत लेके दरबार में आए। दरबार में आने के बाद अब मंजर अजीब है, चूंकि ऐलान कल हो चुका है कि आज जो है वो फैसला होगा मरियम अफजल या फातिमा अफजल, और अगर गलत हुआ फैसला तो गर्दन मार दी जाएगी। फैसला कुरान के मुताबिक हो रहा है, एक मजमा लगा हुआ है, एक हुजूम है, तमाम लोग मुतजस्सिस निगाहों से उलमा का इंतजार कर रहे हैं। उलमा दरबार में पहुंचे, भीड़ लगी हुई थी, उलमा की मस्जिद खाली थी, उलमा अपनी अपनी मस्जिदों पर जाके जब जागुजी हुए, उस वक्त जब बादशाह ने पूछा बताओ क्या फैसला हुआ, तो सारे उलमा ने एक सवाल होके कहा, रात भर हमने कुरान की गर्म गर्दानी की, हमें बस एक ही नतीजा हासिल हुआ, हमने सारी आयतें पढ़ डाली, हमें मरियम के बारे में तो आयत मिली मगर फातिमा के बारे में कोई आयत ना मिली, इसलिए हमारा फैसला ये है कि मरियम अफजल है, फातिमा मफजूल है। और जो चाहता हूँ दलील दो, कुरान की आयत क्या है, ठीक है मैं मान लूंगा फैसला। अब इन सारे उलमा ने यही आयत पढ़ दी कि अल्लाह ने कुरान में मरियम के लिए आयत उतारी है कि इन्नल्लाह अस्तफा के वतहर के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, ऐ मरियम तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया, तुम्हें अल्लाह ने पाकीजा बनाया, अल्लाह ने तुम्हें कायनात की औरतों पर चुन लिया का बादशाह। ये आयत है जो मरियम की इज्जत पर दलालत करती है, ये आयत है जो मरियम की फजीलत का ऐलान करती है, ये आयत है जो मरियम के कसीदे पढ़ती है। हमें फातिमा के बारे में कुरान में कोई आयत नहीं मिली। अरे मैं कहूंगा तुम्हें आयत मिलती भी कैसे, तुम इस लायक हो ही नहीं कि फातिमा का नामे नामे तुम्हारे जहनों में आए, पूरा तुम्हारी ज़बानों पे आए। बादशाह की आंखों में आके डाल के, ऐ खलीफा साहब
बादशाह चौंका, और बादशाह तो चौंका ही, मुझे खुशामदी थे ना, मुझे देर से ज्यादा चमचे गर्म होने वाली फितरत है, और खुशामदियों ने फौरन इसको टांटा, उस्ताद तुझे तहसीब दरबार मालूम नहीं, बगैर इजाजत लिए बादशाह से कलाम कर रहा है। तो उसने कहा इजाजत लेने की बात क्या है, जब दलील मांगी गई थी, फैसला मांगा गया था बादशाह की तरफ से, जिन्होंने दलील देना की देरी, अब मैं भी तो दलील देना चाहता हूँ, मैं इनके इस फैसले को चैलेंज करता हूँ। अब बादशाह तो हैरान, सारे उलमा अब हैरती बने हुए उसको देख रहे हैं, हमने रात भर कुरान छाना, हमें तो यही आयत मिली, अब ये कौन सी आयत लेके आ रहा है और इसका फैसला क्या है। अब ये जो शख्स था, ये तेज तेज कदमों से चलता हुआ बादशाह के बिल्कुल तख्त के करीब पहुंचा और सीना तान के बादशाह के सामने खड़ा हुआ। बादशाह फैसला सुनाने में जल्दी नहीं किया करते, पहले दूसरे फरीक की भी तो दलील सुन ले, उसकी भी तो बात सुन ले, अच्छा तुम क्या कहना चाहते हो। कहा इन सारे उलमा के मुताबिक तुम फैसला सुना रहे हो कि मरियम होता लगा। हाँ, कहा तुमने सोचा नहीं, गौर नहीं किया, क्या क्या गौर करो, कुरान की आयत पढ़ रहे। कहा ये चोर है, ये बेईमान है, ये झूठे हैं, ये उस शख्स ने कहा। अब उलमा तो गुस्सा आया, बादशाह हैरत में, चोर, ये बेईमान, ये झूठे, ये कैसे हो सकता है, दलील दो, अगर तुम सच्चे हो तो ठीक, वरना तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। कहा मैं साबित कर रहा हूं, ये चोर किसी मामूली मार के चोर नहीं है बादशाह, ये पुराने मजीद की आयतों के चोर है। तो इस्तीफा तो दो बार है, मगर तहारत